हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज फ्रेंड हम लोग देख लेते हैं एनसीएल वगैरह कुछ लेटेस्ट जानकारी वगैरह। जैसे देख सकते हैं कि एनसीएल ने अपना मेरिट लिस्ट लगा दिया है, तो आप इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैंडिडेट सेलेक्टेड अपॉइंटमेंट टू पोस्ट डंप ऑपरेटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना मेरिट लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है और इसी बेस पे सबका सिलेक्शन होगा। तो कह सकते हैं कि ये आपका लास्ट जो अपॉइंटमेंट लेना है, जिनको जॉब करना है उनके नाम लगा दिए गए हैं। सो फ्रेंड आप देख लीजिए, और इसमें अगर आपका नाम हो, रोल नंबर हो, तो आप जल्द से जल्द अपना तैयारी करें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तो नाम वगैरह देख लीजिए। जैसे यहाँ रोल नंबर है, यहाँ नाम है, और यहाँ मेरिट स्टेटस है। तो ये देखिए जनरल का है, और क्या कहते हैं, इस तरह से आपके बहुत सारे नाम लगा दिए गए हैं फ्रेंड। सो आप देख लें फ्रेंड कि आपका इसमें अगर नाम हो तो समझ लीजिए कि आपका नाम सेलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आप नाम बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं एनसीएल, जो एचईएमएम के एग्ज़ाम हुआ है। सो फ्रेंड आपको नज़र आ रहा होगा, आपको स्क्रीन में ये सारे नाम जितने भी दिखाई दे रहे हैं, सारे लोग सेलेक्ट हैं। सो फ्रेंड ये आपको नज़र आ रहा होगा, टोटल ये जितने भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं तो सबके सब सेलेक्टेड लिस्ट हैं। ये इनको जल्द ही आप अपॉइंटमेंट किया जाएगा इनिशियल द्वारा। यहाँ पे आपको सेकंड दिख रहा होगा डोजर ऑपरेटर, ये सारे डोजर ऑपरेटर की लिस्ट यहाँ पर लगा दी गई है। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी पहला जो अपॉइंटमेंट पोस्ट ऑफ द सरफेस माइनर, इनके भी कुल मिला कि ये सारे की एचईएमएम के ही हैं, जो सरफेस माइनस ये भी डोजर से रिलेटेड भी है। इसमें भी ये सारे लोगों का नाम लगाया गया है। ये देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है फ्रेंड, ये क्रेन लिस्ट क्रेन ऑपरेटर का है। तो जो क्रेन ऑपरेटर में भरे होंगे, तो क्रेन ऑपरेटर से रिलेटिव जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके नाम है यहाँ पे। अपना नाम चेक करें फ्रेंड और देख लें, क्रेन ऑपरेटर में अगर आपको जॉब करना है तो जल्द से जल्द आप जा करके बताए हुए एड्रेस पे अपना वेरीफाई कर सकते हैं। एनसीएल में लिस्ट लगा दिए है, नेक्स्ट आपको जब लगाया जाएगी तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा फ्रेंड। इस तरह आप नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे सावेल ऑपरेटर, सावेल ऑपरेटर में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं तो उनके बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आ गया ड्रिल ऑपरेटर, जो ड्रिल ऑपरेटर में भरे होंगे फ्रेंड, तो ये सारे नाम इसमें हैं।
जो भी डील में सिलेक्शन हुआ जिनका, तो ये सब डील ऑपरेटर का लिस्ट लगाया गया है। देखिए जैसे विजय कुमार पांडे जी हैं, इन्होंने ये इनका रोल नंबर है, जनरल में है ये। सो फ्रेंड आप देख रहे होंगे जैसे ये 48 सीट था, तो इसमें जितने लोगों की ज़रूरत थी बस उतने लोगों को बुलाया गया है। और यहाँ पे ये नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ड्रग लाइन ऑपरेटर का है, इसमें ड्रग लाइन वाले हैं सारे लोगों का नाम, इसमें ड्रग लाइन में जो भरे होंगे उनका नाम यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक बार समझाने के लिए बताया गया है, जैसे कि यू आर का मतलब यहाँ जनरल वाले हैं, ओबीसी यानी कि ओबीसी जो कैटेगरी में आते हैं नॉन क्रिमिलियर के अंतर्गत, वो कैटेगरी है एससी और शेड्यूल कास्ट में ये आते हैं, और एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब। तो इस तरह से कैटेगरी के हिसाब से ये सारे मेरिट लिस्ट बना दी गई है, और इस मेरिट के लिस्ट के आधार पर ही सबका सलेक्शन होगा फ्रेंड। सो देख लें आप, अगर इसमें आपका नाम हो तो जल्द से जल्द फ्रेंड आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लें, क्योंकि आपका दोबारा फिर से एक बार वेरिफिकेशन हो सकता है डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट के समय रीचेकिंग। सो फ्रेंड आपको ये जानकारी मैं आज यहीं तक क्लोज करता हूँ। सो देख लें, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।